शिमला के संजौली में मस्जिद निर्माण विवाद रुकने का नाम नहीं ले रहा। स्थानीय लोगों के मुताबिक ये मस्जिद निर्माण अवैध है और इसे गिराया जाना चाहिए। हालांकि मामला कोर्ट में विचाराधीन है और इस मुद्दे को लेकर 11 सितंबर को स्थानीय लोगों और हिंदू संगठनों के बड़े आंदोलन के ऐलान के बाद शिमला पुलिस प्रशासन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू कर दी, जो पहले CRPC में धारा 144 हुआ करती थी। आप देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। शिमला के संजौली विवाद को लेकर लोगों में रोष जारी है। 11 सितंबर को एक बार फिर इस मामले में स्थानीय लोगों और हिंदू संगठनों ने बड़े आंदोलन का ऐलान किया है। इसे लेकर पुलिस प्रशासन भी सतर्क है और सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद है और हर तरह की आवाजाही पूरी तरह से बंद है। वहीं लोगों से भी शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है। संजौली में 4 मंजिला मस्जिद निर्माण को लेकर स्थानीय लोगों में रोष है। लोगों के मुताबिक ये निर्माण अवैध है और इसे गिराया जाना चाहिए। प्रदेश सरकार के कई मंत्री भी इसे लेकर कार्रवाई की मांग कर चुके हैं। अनिरुद्ध सिंह ने मामले में सरकार से कार्रवाई की मांग की है। एक बार फिर इसी संजौली उपनगर में जो स्थानीय लोग हैं और हिंदू संगठन हैं, उनकी तरफ से एक प्रोटेस्ट कॉल दी गई है और उसको देखते हुए जो सिक्योरिटी फोर्सेज है, आप देख रहे हैं, जो तैनात यहां पर की गई है, आवाजाही पूरी तरह से जो है वो बंद कर दी गई है, सील कर दी गई है। किसी भी तरह के जो लोगों को, बाहरी लोगों को है, वो यहां पर मस्जिद के आसपास जाने से भी पूरी तरह से रोका जा रहा है। साथ ही साथ इससे पहले हमने जो DG CID है संजीव रंजन ओझा, उनसे बात की। उन्होंने बताया कि जो फोर्सेज हैं वो तैनात की गई हैं, कानून को किसी भी हालत में हाथ में ले ही लेने दिया जाएगा और कल जो प्रोटेस्ट होने वाला है उसमें भी लोगों से शांति बरतने की एक तरह से अपील करते पुलिस अधिकारी नजर आए हैं। पूरा सरकार दावा कर रही है कि उसकी ज़मीन है, वक्फ बोर्ड दावा कर रहा है कि उसकी ज़मीन है। डॉक्यूमेंट्स अगर देखें तो उसमें कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों की तरफ से जो अपने अपने दस्तावेज हैं वो पेश किए जा रहे हैं। संजौली में 4 मंजिला इमारत को लोगों ने अवैध बताकर इसे गिराने की मांग की है। मंत्री अनिरुद्ध सिंह के मुताबिक यह मस्जिद राज्य सरकार की जमीन पर बनी है और पूरी तरह से अवैध है। इसे लेकर नगर निगम आयुक्त की कोर्ट में भी मामला चल रहा है और 5 अक्टूबर को इस पर सुनवाई होनी है। इससे पहले की सुनवाई में कोर्ट ने वक्फ बोर्ड और मस्जिद कमेटी को नोटिस जारी किए हैं। वक्फ बोर्ड ने मस्जिद की जमीन पर दावा किया है और अवैध निर्माण से पल्ला झाड़ा है। वक्फ बोर्ड के मुताबिक अवैध मस्जिद की उन्हें जानकारी नहीं है, लेकिन जमीन उनकी है। नगर निगम के JE को कोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट दायर करने के निर्देश जारी किए हैं। इस बीच लोगों ने एक बार फिर मस्जिद के निर्माण पर आपत्ति जताई है और इसे गिराने की मांग की है। लोगों के मुताबिक नियमों को दरकिनार कर बिना नक्शा पास कराए निर्माण यहाँ किया गया है और जुमे की नमाज के दिन बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग यहां जमा होते हैं, जिससे स्थानीय लोगों को परेशानी होती है। 11 तारीख को यहां संजौली में जो धरना प्रदर्शन रखा गया है उसमें जितने भी हिंदू समाज के लोग हैं, हिंदू सनातन के लोग और जो आम लोग हैं, सारे आ रहे हैं। मेरी सरकार से यही गुजारिश है कि आप इस आंदोलन को आराम से होने दें। जो मस्जिद के बारे में बातचीत की जा रही है, मेरा विचार है अगर अनऑथराइज्ड है तो उसको तोड़ दिया जाए और दोबारा वो अपना नक्शा पास करवाए और दोबारा बनाई जाए। वहीं इस मामले में DG CID संजीव रंजन ओझा ने दावा किया है कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और कल के प्रदर्शन को लेकर भी प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा कि कानून का उल्लंघन किसी को नहीं करने दिया जाएगा और लोगों से भी उन्होंने शांति बनाए रखने की अपील की है। सौहार्द हमें विरासत में हिमाचल में मिला हुआ है और इसे बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। कानून की स्थिति, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति अच्छी रखी जाएगी किसी भी सूरत में, और DG साहब को SP और शिमला और DC शिमला को भी निर्देशित किया गया है कि वो स्थिति पर नज़र बनाए रखें और वो अपनी तरफ से सारी व्यवस्थाएं कर रहे हैं, ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि शांति भंग ना हो। इससे पहले विधानसभा में भी ये मुद्दा आज एक बार फिर उठा था, जिसमें मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मामले पर सरकार की पूरी नज़र है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के बाहर से आने वाले लोगों को वेरिफिकेशन के लिए सरकार एक व्यवस्था तैयार करेगी और इसके लिए कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया जाएगा। वहीं जयराम ठाकुर ने एक बार फिर इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की है।
बयानबाजी का दौर जारी है, लेकिन इस बीच संजौली में कल होने वाले प्रदर्शन को लेकर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। शिमला से कैमरा पर्सन ऋषि पाल के साथ धर्म प्रकाश, DD News।